अभी बेटा मान लिया सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो क्या हुआ था बेटा, आपका करंट कैरिंग जो कंडक्टर था वो सिंगल था, लेकिन अब की बार आपने देखा कि हमारे पास कितने वायर है बेटा। अब की बार तो दो वायर हो गए हमारे पास, और दोनों में एक क्या चीज फ्लो कर रही है बेटा, आपका करंट, ठीक है। वो बात एक अलग है कि एक में करंट ऊपर की तरफ को चल रहा है और दूसरे में बेटा आपका नीचे की तरफ को चल रहा है, क्लियर बात। तो आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है कि ये जो आपको तीन पॉइंट दिए गए हैं बेटा, एक पी, एक क्यू और एक आर, ठीक है, इन पे आपको अब की बार बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना कितना होगा, जैसे पी पर कितना होगा, क्यू पर कितना होगा, आर पर कितना होगा, क्लियर बेटा बात। तो जब सिंगल वायर होता था, ठीक है, तो हम जानते थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम अपना बार्ट सावर्ट लॉ यूज कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अब की बार हमें एक तरीके से क्या करना चाहिए कि जिससे मैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकूं, ठीक है। तो इसने पहले कहा है कि भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है 1 एंड 2, और आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, किस किस पर, पी, क्यू और आर पर बेटा, ठीक है। तो चलो मैं इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट जो है आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। बाकी दो वैसे ही करने हैं, बाकी दो क्या सभी फिर वैसे ही करने हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं कि एट पॉइंट पी जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। हम पी पर बात कर लेते हैं। तो पी पर बात करने के लिए जैसे एक वायर था, ठीक है बेटा, तो एक तार से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम जानते हैं कि कोई भी सिंगल वायर, ठीक है, जब उसके सेंटर पर पॉइंट होता है, तो आपको याद होगा हम लोगों ने जो अपना ये बायो सावर्ट का एप्लीकेशन किया था किसी स्ट्रेट कंडक्टर से, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा बना था बेटा सेंटर पे, जब हम पॉइंट मानते थे, ठीक है, तो बी कितना बना था बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4π2I/R, क्लियर बेटा बात, आर या एक्स जो भी आपको मानना है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बना था वहां पे जब बीच में कोई पॉइंट हो बेटा, बिल्कुल सेंटर पे, और एक बहुत लॉन्ग वायर जो एक तरीके से आपका जिसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब देखा आप लोगों ने कि भाई सिंगल मैग्नेटिक फील्ड तो अब की बार नहीं होगा, क्योंकि वायर जो करंट कैरिंग वायर है आपके पास वे कितने हैं बेटा, वे तो दो हैं अब की बार, और अगर वे दो वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो फिर वे दोनों ही देंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। तो आपको तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्या चाहिए बेटा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, तो क्लियर बेटा। तो रिजल्टेंट निकालने से पहले सबसे पहले इन दोनों की हम अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि भाई जो पहले वाला वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है मैंने माना बेटा वो कितना है, सपोज B1 है, ठीक है, तो B1 कितना होगा, तो फॉर्मूला तो आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पुट कीजिए, 10^-7 × 2 × I पहले वायर में कितना है बेटा आपका 20 एम्पियर, अपॉन आर क्या होती थी, आर होती थी बेटा या एक्स होती थी आपकी उस पॉइंट से उस वायर तक का डिस्टेंस। तो आपकी बार आपने देखा ये कितना है बेटा आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर होने का मतलब 10 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा बेटा आपका -2, क्लियर बेटा बात। ये आपका कट गया यहां पे 2 हो जाएगा, और 2 × 2 = 4, और ये यहां पे आ जाएगा बेटा -5 टेस्ला, क्लियर बेटा बात। ये आपका B1 हो गया, यानी कि पहले वायर से पी पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सिमिलरली अगर आप B2 निकालना चाहते हैं तो B2 के लिए भी यही सेम फॉर्मूला है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा वायर होगा और इसके भी सेंटर पॉइंट पर क्या है बेटा आपका ये P पॉइंट लाई करता है। तो अब की बार अगर आप देखें तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा 10^-7, तो मल्टीप्लाई 2 भी as it is रहेगा, क्या बदलेगा बेटा करंट, क्योंकि इसमें करंट कितना है बेटा आपका 30 एम्पियर, ठीक है, तो 30 अपॉन नीचे अगर आप बात करें तो आर, अब की बार आर देखिए कितना हो गया बेटा, अब की बार तो आर इतना हो गया, ठीक है, तो इतना अगर ये है तो 20 सेंटीमीटर तो ये है और 10 ये है, तो कितना हो बेटा टोटल 30, तो 30 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा वही -2 हो जाएंगे अब की बार, फिर 30 से 30 कटेगा तो ये कितना बचेगा बेटा 10^-5 टेस्ला। तो हम लोगों ने क्या काम किया कि दोनों वायर के करंट की वजह से अलग अलग पॉइंटों पर हमने पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर लिया दोनों की वजह से, ठीक है बेटा। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए बेटा, हम लोगों को तो रिजल्टेंट की जरूरत है। तो अगर रिजल्टेंट मुझे निकालना है इसका, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा बेटा, जाहिर सी बात है मुझे दोनों की डायरेक्शन, ठीक है, वही मुझे बताएगी कि मैं प्लस करूं इसको या माइनस। ये बात आपने पहले चैप्टर में भी की है खूब, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले फिर से हम तो क्या है बेटा स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर में किसका यूज करोगे बेटा करंट के लिए, अंगूठे का।
अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, हाथ की उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ, तो पॉइंट की तरफ बेटा आपका इधर, तो उंगलियां ऐसी तो रखी रहेंगी ठीक है, अंगूठा ऊपर और उंगलियां इधर, तो आपने देखा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को आई बेटा आपकी ऊपर की तरफ को, क्लियर बेटा बात। तो आपने देखा कि जो बी वन है उसका डायरेक्शन की तरफ को है आपका ऊपर की तरफ को, चलो मैं यहां पर लिख भी देता हूं ये डायरेक्शन, तो ऊपर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के डॉट लगाया मैंने और यहां पे क्या लिख दिया बेटा आपका बी वन वेक्टर, क्लियर बेटा। अब आ जाइए यहां पे, अब की बार इस वाले कंडक्टर में करंट किधर को जा रहा है बेटा आपका नीचे की तरफ को, अगर ये नीचे की तरफ को जाएगा तो जाहिर सी बात है अब की बार अंगूठा किधर हो जाएगा बेटा आपका नीचे, क्लियर बेटा बात। उंगलियां फिर बढ़ाइए किसकी तरफ को, पी की तरफ को, तो ऐसे ही तो बैठेगा मेरा हाथ, तो जैसे ही मैं अब की बार इसको फिर घुमाऊंगा अपने हाथ को तो ये मेरा हाथ किधर जा रहा है बेटा अब की बार नीचे की तरफ को, यानी कि बी टू का डायरेक्शन किधर को होगा बेटा डाउनवर्ड, यानी कि आप एक क्रॉस लगाएंगे और क्रॉस लगा के क्या लिख देंगे बेटा आपका बी टू, बात क्लियर है बेटा। तो अब आप लोग खुद सोचिए, एक से डायरेक्शन ऊपर आ रही है एक से डायरेक्शन नीचे जा रही है तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट होगा बेटा, तो एंटी पैरेलल कंडीशन होगी या नहीं होगी, और अगर ये एंटी पैरेलल कंडीशन हो गई तो हमें पता है कि रिजल्टेंट कैसे निकलता है आपका माइनस करके, यानी कि जो बी होगा आपका वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा आपका बड़े में से छोटा घटाना होता है, यानी कि बी वन बड़ा है और बी वन माइनस क्या कर दूंगा बेटा मैं आपका बी टू, तो बी वन कितना है आपका 4 × 10⁻⁵ और बी टू कितना है बेटा 10⁻⁵, तो जैसे 4 में से 2 जाएंगे तो 2 × कितना बचेगा आपका 10⁻⁻, तो आपको तो इसका भी डायरेक्शन चाहिए, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा जो इन दोनों में से बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है बेटा। तो कौन सा बड़ा है आपका बी वन, और बी वन की डायरेक्शन किधर को है बेटा आपकी अपवार्ड, तो इसका भी डायरेक्शन किधर को हो जाएगा बेटा आपका अपवार्ड डायरेक्शन हो जाएगा बी का भी, क्लियर बेटा बात। इसी तरीके से क्यू पे निकालिए, इसी तरीके से बेटा आर पे निकालिए, क्लियर है, तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी ठीक है बेटा, अटेम्प्ट करके देखिए ठीक है, न्यूमेरिकल होगी ओके।